नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई टेक्निकल वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं है। आज मेरे इस वीडियो को आप मेरा फर्स्ट व्लॉग मान सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये शायद आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लग जाए। तो मेरे पास दोस्तों एक कीबोर्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड होता है ना, जिसमें प्ले किया जाता है पियानो, मैंने करीब करीब एक साल पहले ख़रीदा था। जब मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आया था दोस्तों, तभी मैं ये कीबोर्ड को ख़रीद लिया था। चलिए मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा यामा का एक कीबोर्ड है, आप यहाँ पर उसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। ये देखिए PSR 363, और ये यामा का आप लोगों देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों। ये जब मेरा YouTube का फर्स्ट पेमेंट मिला था मुझे, तभी मुझे मैंने ये कीबोर्ड को ख़रीदा था। करीब करीब 16,000 इसका कीमत आया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्वलस कीबोर्ड है दोस्तों। तो देख लिया दोस्तों, ये मेरा कीबोर्ड था। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि मैं ना कीबोर्ड को प्ले नहीं कर सकता। मेरा जो हाथ है ये गिटार के लिए बना है। मैं बचपन से गिटार प्ले कर रहा हूँ, इसीलिए गिटार में मैं थोड़ा बहुत जो कुछ सीख पाया हूँ गिटार में, बहुत मतलब मैं अच्छा से प्ले कर लेता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि मिडी गिटार जो है वो बहुत ही कॉस्टली आता है, और मुझे डॉ में काम करना पड़ रहा है। मतलब मैं डॉ का ट्यूटोरियल देता हूँ, और केक वॉक एक बेसिकली फ्री डॉ है, और इसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो डॉ, अगर जो कोई भी डॉ में काम करता है, अगर उसको कीबोर्ड प्ले करना अच्छी तरह से आ जाता है, तो उसके लिए म्यूज़िक को तैयार करना, म्यूज़िक को क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास एक जो यामा का कीबोर्ड मैंने आपको दिखाया, वो बेसिकली एक मीडी एनेबल्ड कीबोर्ड है। वो मीडी कीबोर्ड नहीं है, लेकिन मीडी एनेबल्ड है, मतलब कंप्यूटर से वो कनेक्ट हो जाता है, और एज ए मीडी को आप उसको आप काम कर सकते हो। लेकिन दुखी बात मैंने बताया कि मुझे कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता। तो दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आप देख के वो खुश होंगे, आई होप आप मुझे वो देख के खुश हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते एक बार, धंटाना। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ब्रांड न्यू एमोडियो ऑक्सीजन 49। ये एक मिडी कीबोर्ड है दोस्तों, मैंने हाल ही में इसको ख़रीदा हूँ दोस्तों। मतलब इसको अभी तक मैं अनबॉक्स नहीं किया हूँ, पैकिंग वैसे ही है जैसा है, अभी तक खोल के नहीं देखा इसको। क्योंकि दोस्तों, इसमें देखिए बहुत सारा फंक्शनलिटीज़ है मिडी में काम करने के लिए, मतलब किसी डॉ में काम करने के लिए। ये इतना अच्छा है, इसमें पैड भी दिया गया है, इक्वलाइज़र भी है, और फेडर्स भी है, नॉब्स भी है, और 49 की है दोस्तों इसमें, आप देख सकते हैं। तो देख लिया दोस्तों, ये मेरा ब्रांड न्यू मिडी कीबोर्ड है, जिसका खुद का कोई साउंड नहीं है, जो कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाने के बाद उसका साउंड देता है। मतलब आप हेडफोन से या स्पीकर से उसमें VST ऐड हो जाएगा, तब जाके उसमें से कुछ साउंड निकलेगा। जो कोई डॉ में काम करता है, उसके लिए मिडी कीबोर्ड मस्ट हो जाता है दोस्तों। बहुत सारा ऑप्शन उसमें मिल जाता है, आप अच्छी तरीके से म्यूज़िक को, मतलब बहुत टाइम एफिशिएंट हो जाता है। आप उससे बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन उसमें से एक्टिव कर सकते हैं, और बहुत फास्ट काम कर सकते हैं किसी भी डॉ में। तो इसलिए मैंने उसको ख़रीदा। और मेरा जो यामा वाला है, उसमें से ऑफलाइन, मतलब कंप्यूटर में कनेक्ट ना करके भी हम उसको प्ले कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो क्यों मैं ये वीडियो आज मैं तैयार कर रहा हूँ, इसका एक ही मोटिव है दोस्तों, और वो है मैं खुद को एक चैलेंज दिया हूँ, 3 months चैलेंज। इस 3 महीने में मैं कीबोर्ड को, जो यामा का जो कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड से 61 कीज का है, इस 3 महीने में मैं इस कीबोर्ड को कितने अच्छी तरीके से बजा पाता हूँ, ये 3 months चैलेंज मैंने खुद को दिया है दोस्तों। जो 3 महीने का चैलेंज मैंने खुद को दिया है कि 3 महीने में मैंने ये कीबोर्ड को खुद से बजा पाऊँगा, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, वो भी विदाउट एनी टीचर। तो दोस्तों, YouTube से बहुत कोई बोलते हैं कि YouTube से कुछ सीखा नहीं जा सकता, मतलब YouTube से वीडियो देख के आपको सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आप प्रॉपरली कुछ सीख नहीं सकते। ये थोड़ा बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर डेडिकेशन सही है तो YouTube से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इस 3 महीने में मैं हर हफ्ते 2
एक या दो वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ जिसमें से मेरा इम्प्रूवमेंट दिखाया जाएगा, मेरा बेसिक जो अभी फिंगरिंग है, मतलब अभी मेरा हाथ कीबोर्ड में अच्छी तरीके से नहीं चलता है दोस्तों, प्रैक्टिस नहीं है। मैं करीब करीब एक साल हो गया मैंने कीबोर्ड को ख़रीदा हुआ, लेकिन एक साल में मैंने अभी तक टाइम नहीं मिला कि उसको सीख पाऊँ, लेकिन अभी जाके मैं चैलेंज दिया हूँ कि मुझे सीखना ही है। तो जो लोग चाहते हैं यूट्यूब से कुछ सीखना चाहते हैं, वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है। डेडिकेशन ठीक ठाक रहेगा तो दोस्तों आप भी खुद से कर पाओगे। मेरा ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, और एक हफ्ते में मैं जो उसका बेसिक सरगम है, ABCD का पोजीशन है, वो मैंने सीख लिया हूँ। लेकिन इसके बाद से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। मेरा हाथ अभी तक सेट नहीं हुआ है। अब मेरा उंगली, जब मैं ट्यूटोरियल में जब वीडियो डालूँगा तब आप देखेंगे कि मेरा प्रोफेशनल की तरह उंगली मतलब मूव नहीं करता है, स्टिफ हो जाता है, और ये जो ये वाला उंगली में बहुत ज़्यादा जोर नहीं मिल पाता है। फिर भी मुझे कोशिश करना होता है, मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छी तरीके से प्रेस कर पाऊँ। आपको देख ही समझ में आ जाएगा, ये एकदम न्यू कमर है, बिगिनर्स है, इसको कुछ भी नहीं आता है। तो हर वीडियो में मेरा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। मैं हर दिन एक घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटा ही मुझे मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और इसी एक घंटे का डेली प्रैक्टिस में कितना इम्प्रूवमेंट होता है, कितना सीख पाता हूँ मैं सीख पाता हूँ या फिर बीच रास्ते में मुझे छोड़ देना होगा इसका प्रैक्टिस, ये सब डिटेल आपको 3 महीने तक मिलते रहेगा दोस्तों। जो लोग चाहते हैं कि YouTube से सीखा नहीं जा सकता, वो लोग ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखें और कंटिन्यू कीजिए मेरे इस व्लॉग से। और मैं अगर सीख पाता हूँ दोस्तों, ठीक तरह से बजा लेता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा और कौन सा यूट्यूबर का वीडियो से मुझे मदद मिल रहा है, मैं उसका हेल्प ले रहा हूँ, उस वीडियो यूट्यूबर का चैनल का नेम भी मैं उसमें मेंशन करूँगा, उसको एक थैंक यू मैसेज भी बताऊँगा उसमें। और 2-3 चैनल है दोस्तों, 2-3 चैनल से मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूँ और 2-3 चैनल का वीडियो मैं उसको देख देख के मैं सीख रहा हूँ, तो उस चैनल का नाम भी दे दिया जाएगा उसमें, आप उस यूट्यूबर का वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मेरा उंगली का आप मूवमेंट देखेंगे कितना मतलब एकदम बेसिक लेवल का है। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।